नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दक्षिणी कश्मीर में तुरीगाम पुल गांव में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हुए हवलदार सोमवीर कादियान का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 7 साल के बेटे रोहित ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि रविवार सोमवार की रात को दक्षिणी कश्मीर में तुरीगाम कुलगाम में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों व राज्य पुलिस के ने आतंकियों की कड़ाई से मुकाबला करते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP व सैनिक सोमवीर कादियान शहीद हो गए। शहीद के पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से सोमवार शाम को कश्मीर से दिल्ली लाया गया था। यहाँ पर सुबह भारतीय सेना के जवान उन्हें मिट्टी के लिए लेकर निकले। जैसे ही काफिला गांव की तरफ बढ़ता गया, लोगों का जमावड़ा जुड़ता चला गया। पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो पूरे गांव की आंखें उस समय नम थी। शहीद की मां राजेंद्री देवी, पत्नी सुमन व भाई मांगेराम ने कहा कि उन्हें सोमवीर की शहादत पर गर्व है कि सोमवीर ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वे शहीद हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आतंकवादी चाहे देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, आतंकियों को मार गिराना चाहिए। आप देख रहे हैं पल पल से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आपके पति ने दुखद लेकिन बहुत ही गौरवपूर्ण शहादत दी है देश के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत बहुत गर्व है अपने पति पे, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आतंकवादी है या आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उनको सबसे बदला लिया जाए। आपकी शहादत से कितनी देर पहले बात हुई थी? मेरी 12 बजे के आसपास ही हुई थी, कल के बाद नहीं हुई। तो आपकी मांग यही है कि पाकिस्तान और आतंकवादी को? बिल्कुल, मेरी मांग यही है कि आतंकवादी चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, सबको खत्म किया जाए। आप अपने बेटे को भी क्या सेना, बेटे और बेटियों को भी सेना में भेजेंगे? बिल्कुल, मैं अपने 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं, चारों को सेना में देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत बहुत गर्व है अपने पति पे कि अपने